नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। महाराष्ट्र में दिन पर दिन चुनावी धार तेज होती जा रही है। सत्तारूढ़ महायुति में शामिल बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी सभी घटक दल सहयोगी पार्टियों के समर्थन में प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन अजीत पवार का मामला लगता है कि बीजेपी के साथ नहीं बन पा रहा। वैसे भी लोकसभा चुनाव के बाद अजीत पवार के साथ गठबंधन को लेकर बीजेपी आरएसएस के भीतर आलोचना के स्वर उभरे हैं। वहीं अब विधानसभा चुनाव में उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए जहां अजीत पवार ने योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर सवाल उठा दिए, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी पवार परिवार के गढ़ बारामती में चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, नवाब मलिक को लेकर बीजेपी की आपत्ति को खारिज करते हुए उनका प्रचार करते हुए भी अजीत पवार दिख रहे हैं। ऐसे में अजीत पवार और भाजपा में कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा। देखिए पूरी रिपोर्ट। दरअसल अजीत पवार अपनी सेक्युलर छवि को बनाए रखना चाहते हैं। उन्होंने चुनाव से पहले भी कहा था कि वो अपनी पार्टी के 10% टिकट अल्पसंख्यकों को देंगे। उसी कड़ी में माना जा रहा है कि उन्होंने अपने वोट बैंक को देखते हुए सीएम योगी के नारे पर ऐतराज जताया है। बता दें, बीते दिन योगी आदित्यनाथ ने पूर्वी महाराष्ट्र के वाशिम में एक चुनावी रैली में अपने बटेंगे तो कटेंगे नारे को दोहराया था। बंटिए मत, उन्हीं से पैना ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं, बंटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। उसके एक दिन बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख अजीत पवार ने योगी के बयान को विरोध जताते हुए कहा कि राज्य के लोग इस तरह की टिप्पणी पसंद नहीं करते। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोगों ने हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज की शिक्षा समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की थी। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार यानी आज से प्रचार रैलियां करेंगे। वहीं बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि वो नवाब मलिक का प्रचार नहीं करेगी। बता दें, भाजपा ने गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के साथ कथित संबंधों के कारण नवाब मलिक की उम्मीदवारी का विरोध किया है। बता दें, नवाब मलिक और सना के साथ अजीत पवार ने खुली जीप में सवार होकर मुंबई में एक रैली की और लोगों से पिता पुत्री के लिए वोट देने की अपील की थी। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में फरवरी 2022 में गिरफ्तार किए गए नवाब मलिक को अगस्त 2023 में जमानत पर रिहा किया गया था। वहीं इस वजह से भाजपा ने नवाब मलिक के लिए रैली करने से साफ मना कर दिया था। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।